दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के केस को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में लॉकडाउन के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पुराने सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए वाराणसी शहर के लिए जो नए निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए 3 मई की रात तक जिले में कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई, इन सब की होम डिलीवरी ही होगी और वो भी हर दिन सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही मान्य होगी। पहले से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास पहले की तरह ही मान्य होंगे। होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़कर पास बनवाना चाहते हैं, वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में पुराने सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। दूध की सप्लाई को भी होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेटों को सुबह 11 से 12 बजे तक के बीच 1 घंटा के लिए केवल दूध की बिक्री के लिए मान्य किया गया है। शर्त यह होगी कि दुकान का शटर डाउन करके सिर्फ क्रेट बाहर रख कर ही केवल दूध की बिक्री किया जा सकेगा। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें भोजूबीर, लम्ही, पहाड़िया, पचकोशी, चंदुआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक एवं नवाव मंडी होगी। ये सब्जी मंडी रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच ही खुलेगी और ठीक 6 बजे ही इन्हें बंद करवा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या फिर ठेला वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे। कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा। पहाड़िया मंडी में भी ऑड इवन की व्यवस्था लागू कर दी गई है सप्तसागर की तरह और इसमें सिर्फ एक दिन में आधी दुकानें ही खुल पाएंगी। अब वहीं 30 अप्रैल को कोई भी सब्जी मंडी नहीं खुलेगी। शहर के सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो भी दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं, वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं। बैंक एवं सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रह सकेंगे। पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य एवं व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। नगर निगम की सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर जिला प्रशासन के बताए नियमों के बिना मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकलेगा, शहर में अंदर आने एवं जाने की बाहर कोशिश करेगा, उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई भी किया जाएगा। गौरतलब है कि आज बुधवार को भी शहर में 3 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसका कि BHU के लैब में पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और इसी के साथ ही शहर में कुल 52 मरीज हो चुके हैं कोरोना के और वहीं 8 मरीज ठीक भी हो चुके हैं इनमें से और 1 की मृत्यु भी हो चुकी है। और इसके साथ ही शहर में नए नए मरीजों के आने के साथ ही नए क्षेत्र में भी चूंकि आ रहे हैं, इसकी वजह से शहर में अब तक 17 हॉटस्पॉट क्षेत्र भी घोषित हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।